जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर के लिए होने वाले चुनाव में भी सपा और बीजेपी के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दरअसल रविवार को यूपी विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव में सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नितिन अग्रवाल के नामांकन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से नरेंद्र वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नरेंद्र वर्मा के नामांकन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। हालांकि एसपी के पास जीत के लिए संख्या बल नहीं है, लेकिन विपक्षी एकता और पिछड़ा वर्ग कार्ड को खेलते हुए एसपी ने नरेंद्र वर्मा पर दाव खेला है, जबकि बीजेपी नितिन अग्रवाल के जरिए वैश्य कार्ड खेल रही है ताकि चुनाव में उसे इसका फायदा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब वह कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं भाई, संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि डेप्यूटी स्पीकर के हो रहे चुनाव में राज्य विधानसभा के 397 सदस्य वोटिंग करेंगे। बीजेपी के पास जीत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या है और उसके प्रत्याशी का चुनाव जीतना तय है। डेप्यूटी स्पीकर के लिए सोमवार को सुबह 11 बजे से मतदान होगा और मतदान के लिए जिलेवार विधायकों को बुलाया जाएगा। माना जा रहा है कि इसमें कम विधायक हिस्सा लेंगे, क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव होने और त्योहारी सीजन होने के कारण ज्यादातर विधायक अपने क्षेत्रों में हैं। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।